नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी दौरे पर हैं। राहुल और प्रियंका के अमेठी दौरे से सत्ता पक्ष के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल और प्रियंका के अमेठी दौरे ने यह बता दिया है कि अमेठी में एक बार फिर गांधी परिवार का कब्जा होने वाला है, यानी कि अमेठी की जनता एक बार फिर मौका देने वाली है गांधी परिवार को। हालांकि अगर देखा जाए कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अभी तक अमेठी की जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का अमेठी यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र में लापरवाही बरतना यह बताता है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से स्मृति ईरानी ने अमेठी को ऐसे ही हालात में छोड़कर वो रवाना हो गई। लेकिन अब राहुल और प्रियंका गांधी दोबारा से अमेठी की जनता को नई सौगात देना चाहते हैं, दोबारा से अमेठी की जनता को नया सवेरा दिखाना चाहते हैं। और यही वजह है कि राहुल और प्रियंका गांधी की इस रैली में 50,000 से ज्यादा भीड़ दिखती नजर आई है। यानी कि राहुल और प्रियंका गांधी की जो रैली है इसमें बड़े स्तर पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि वाकई इस वक्त राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को संभाल रखा है, खास तौर पर अमेठी की, तो यहाँ पर राहुल और प्रियंका को इसका फायदा मिलता नजर भी आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।